बॉडी टेक हेड टेक, देखिए सब पिछले क्लास में आप लोग सीखे हैं। सबसे पहले हम हेड लेते हैं, क्या लेते हैं हेड। हेड के बाद हम लेते हैं टाइटल ऊपर वेब ब्राउजर के लिए। उसके बाद बॉडी के लिए जो पेजेस चाहिए आपको उसको बॉडी के अंदर लिखा जाता है। ये एग्जांपल है, और देखिए हमने कोडिंग किया। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक, वेब पेज को ओपन करने के लिए ओपन विथ, फिर नोट पेड। तो कोडिंग को फिर से चाहिए तो देखिए हमने ये लिखे HTML फर्स्ट और लास्ट में। टाइटल बार तो देखिएगा टाइटल बार कहाँ पे प्रिंट होता है, देखिए ये आया। टाइटल बार यूज करते हैं तो ये आपका पेजेस में है, किसके अंदर, जो इस बॉडी के अंदर है। ठीक, बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखिए। अगर आप कोडिंग में इंटर करके लिखते हैं उसके बाद इसको आप सेव करते हैं, अपडेट हुआ, रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमने लिखा नीचे में लेकिन आया सीधी लाइन। तो नीचे लाइन करने का, बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, ये सारे चीजों के लिए अलग अलग टैग है जिसको वन बाय वन सीखते हैं। अभी सिंपल प्रोग्राम समझ में आया, आप इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अगर आपको नोट पैड में ओपन करना है तो राइट क्लिक, ओपन विथ नोट पेड। फायरफॉक्स में चाहिए तो फायरफॉक्स में क्लिक कीजिए, जिस ब्राउजर में ओपन करते हैं उस ब्राउजर में होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आ गया नॉट नाउ, पेजेस पेजेस बना नहीं है, खाली है तो ब्लैंक दिखाई दे रहा है। हेडिंग में हम H1 से लेकर H6 तक 1 2 3 4 नंबर देते हैं। तो 1 का साइज बड़ा रहेगा कि 6 का साइज, 1 से स्टार्ट करेंगे तो हेडिंग में जो वर्ड है लिखा हुआ ये 1 से लेकर H6 तक। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं फिर साइज किसका बड़ा रहेगा, H1 का। यहाँ पर देख सकते हैं ये ठीक है, कहीं भी आप कोई मेटर लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पर ही चले जाइए, कोई सब्जेक्ट लिखते हैं उसके हिसाब से इसको आपको हेडिंग देने की जरूरत पड़ता है। बहुत सारे टॉपिक देखते हैं पैराग्राफ टैग, देखिए पैराग्राफ यूज करते हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम को लेते हैं, पुराने प्रोग्राम में जैसे ये हमारा ये क्या है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ये आपका बुलेट पैराग्राफ है, पैराग्राफ बना हुआ है। ये पैराग्राफ में लाइन एक साथ रहते हैं, दो पैराग्राफ में क्या डिफरेंस रहता है, उसके लाइन में डिस्टेंस आते हैं। अगर ओपन विथ, यहाँ पर बॉडी समझ में आ गया, हेडिंग, हेडिंग के बाद हम पैराग्राफ को करते हैं। तो पैराग्राफ देखिए फर्स्ट और पैराग्राफ सेकेंड, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो सिंपल सा एक लाइन है, बहुत सारे लाइन के लिए भी यूज होते हैं। देखो ये दोनों में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लाते हैं ताकि पता चले कैसा डिस्टेंस होते हैं। जैसे ये ज़्यादा गैप है क्या इन दोनों के बीच में, नहीं, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, अब इसको सेकेंड करते हैं।
यहाँ पर हम सेकंड लेते हैं, सेव करने के बाद इस पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, ये देखिए फर्स्ट में देखिए लाइन है, नीचे में गैप दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कम है, लेकिन पैराग्राफ के बाद स्पेस है, यानी दो पैराग्राफ के बाद एक लाइन का स्पेस रहता है। ये पूरा लाइन है ना, ये नॉर्मली स्पेस है, नॉर्मल है, लेकिन ये आपका लाइन स्पेस है। तो जब पैराग्राफ चेंज होता है तो एक लाइन का स्पेस देते हैं। जैसे आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, वर्ड में टाइप करते हो ना, और जब कभी भी आपको पैराग्राफ चेंज करना रहेगा तो आप एक लाइन इंटर करने के बाद फिर उसमें लिखना चालू करते हैं ना, उसे लाइन चेंज होता है, पैराग्राफ चेंज नहीं होता। समझ में आया? तो हमेशा एक लाइन छोड़, गैप होने के बाद ही आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ब्रेक टैग देख के। ये तो चलिए आपने लिखे हैं, ये पैराग्राफ दिए, पैराग्राफ में आपने इसको लिखे, जैसे एड्रेस लिखते हैं तो हम एड्रेस तो कभी एक लाइन में लिखते नहीं ना, दो तीन लाइन लिखते हैं। कभी लेटर टाइप करते हैं तो लेटर टाइप देते हैं तो नीचे नीचे लाइन में लिखते हैं बीच बीच से। तो आप जहाँ से लाइन चेंज करना चाहते हैं वहां पर ही आप क्या यूज करते हैं, बी आर टेग, यानी ब्रे टेग। देखिए जैसे ये आपका ये बना हुआ है, पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर, देखिए ये पैराग्राफ है, लाइन अभी चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट पे देख सकते हो आप आउटपुट पे देखिए आपका लाइन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये तो लास्ट हो गया तो नीचे ऑटोमेटिक दिखा रहा है, लेकिन आपको नीचे में यूज करना है कहीं से, तो आपको कहीं पर भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहीं से करना है तो यहाँ पर आप क्या यूज कर देंगे, बी आर, या आपको यहाँ पर यूज करना है फिर बी आर, सेव। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए चेंज हो गया है ना, बी आर। इसमें भी आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद पी आर, उसके बाद इसको आप रिफ्रेश करो, हुआ चेंज, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। फिर आते हैं नंबर 8 लिस्ट। कि ऑडिट लिस्ट में ओएल, ऑडिट ओएल का क्या होगा, ऑडिट लिस्ट। और देखिए अभी हमारे पास ये बॉडी है और ये आपका दिया हुआ है, जरूरी नहीं है जैसे हम एचटीएमएल का यूज कर रहे हैं हेड का यूज कर रहे हैं। अगर किसी प्रोग्राम में आपको टाइटल चाहिए तो आप हेड यूज करते हैं, आपको टाइटल की जरूरत नहीं है तो नॉर्मली आप बॉडी से भी काम चला सकते हैं। सेव, सेव करते समय हमें क्या देना है, जिस भी नाम से उसे डॉट एच टी एम एल, उसके बाद फिर सेव। फिर यहाँ पर देखिए इसको ओपन, देखिए आया नंबर 1 2 3 4, ये ऑडलेट लिस्ट है और ये लिस्ट आइटम। आपको नीचे और चाहिए तो सेम यूज करते हैं, एलआई टैग, इसमें क्या लिखेंगे, आपको जो लिस्ट में देना चाहते हैं वो आप इसे लिख सकते हैं, ऑर्डरेड लिस्ट है ये, क्या है ये लिस्ट, ये आपका नंबर वाला है। उसके बाद अगर आपको बुलेट वाला चाहिए, बुलेट के लिए सिंबल के रूप में अनऑर्डरेड लिस्ट, लिस्ट आइटम तो सेम है, अनऑर्डरेड लिस्ट चाहिए तो ओएल के स्थान पे आपको यूएल बस लिखना है। तो इसको आप यूज करते हैं तो यहाँ पर ओएल के स्थान पे आपको क्या करना है, यूएल। क्लोज टैग यूज करते हैं तो भी, ना करते हैं तो भी, यहाँ पर लिखे उसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश, देखिए बुलेट हो गया है ना। तो और भी जानकारी है जिसको वन बाय वन हम सीखते हैं।